क्या दिक्कत क्या हो गया यार, गिर गए? ये क्या है चल रहा है? सो भैया अपने सर पे यात्रियों को ढोते हैं भाई और यहाँ से ऊपर ले आते हैं भाई। सो गुड मॉर्निंग यार, कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया, अभी बढ़िया हो गया है। तो भाई लाइन आज बहुत लंबी है, आज सोमवार है तो आज ये लाइन है ना बहुत लंबी है भाई। जहाँ पे बस रुकती है ना वहाँ तक लंबी लाइन है। तो अभी हम निकल चुके हैं, हमने शॉर्टकट मारा है तो तुरंत पहुँच गए हैं। और यहाँ पे अभी टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से लाइन ख़त्म हो गई है। अब पकड़ेंगे टैक्सी मात्र 50 रुपये में गौरीकुंड, 50 रुपये में गौरीकुंड मेरे भाई। भैया कहाँ बैठना है? यहाँ से आगे। चलो पीछे बैठ जाओ, चलो बैठते हैं गाड़ी में यार। ये तो शायद भर गई होगी, भर गई ना? नेक्स्ट गाड़ी। गाड़ी में बैठ गए हैं, यहाँ से सुमो चलने वाली है मात्र 50 रुपये में गौरीकुंड मेरे भाई। पर वहाँ से बंद करेंगे पैदल यात्रा, है ना? पैदल जाके वहाँ जाके भैया लोग का वेट करेंगे जो लाइन में लगे हुए पीछे। मैं शॉर्टकट मार लिया था भाई, मैं शॉर्टकट बताऊँगा नहीं कहाँ से मारा था, बट कोई नहीं आ जाएंगे वो लोग भी, है ना भैया। सो भाई अब आ गए हैं गौरीकुंड पहुँचने वाले हैं, आगे लंबा लाइन है तो टैक्सी वाले ने पहले ही रोक दिया ताकि चल देंगे। देखो वो है हमारा गौरीकुंड आगे 700 मीटर आगे, लेट्स गो। हर हर महादेव भाई, मेरे 100K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और इसी खुशी में मैं दोबारा आ गया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू क्या बोलना है यार, भगवान सब जानते हैं, है ना? चलते हैं भाई। केदारनाथ 16 किलोमीटर। सो भाई यहाँ से केदारनाथ एक्चुअली 22 किलोमीटर है, लेकिन ये लोग लिखे हुए 16 ताकि लोगों को उतना वो ना लगे, टेंशन ना लगे भाई उतना चलना है। एक्चुअली ये 22 किलोमीटर है, चलेंगे भाई। हर हर महादेव। हर महादेव। जय महादेव। हर महादेव, क्या हाल चाल है? कहाँ थे यार? हालत खराब हो गई, लाइन लगी हुई है भाई, लाइन में लग के आए भैया। कोई बात नहीं, महादेव का दर्शन करना है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, अब अच्छा फील हो रहा है भाई। यात्रा आरंभ हो चुकी है यार, और साथ में बने सा कैसा लग रहा है? हेलो, जय केदारनाथ की। अरे यार अभी आपने मेरे पीछे देखा था कि एक घोड़ा मर गया है और मैंने उसका वीडियो बनाया तो मुझे मना कर दिया कि आप वीडियो मत बनाओ। तो भाई ये बेजुबान तो जानवर लोग हैं, ठीक है यार करो यार काम करो, तुम लोग का भी ये काम है, बड़े कुछ खिलाया पिलाया करो इनको यार, ऐसे बिना खिलाए पिलाए घुमाओगे तो घोड़ा मरेगा ही भाई, है ना? और भाई देखता हूँ यार कुछ यंग लोग भी घोड़े में ट्रैवल करते हैं, जो बूढ़े हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो यंग लोग हैं वो लोग ट्रैवल करते हैं ना घोड़े पे सवार होते हैं, थोड़ा सा हॉट लगता है यार। केदारनाथ के लिए घोड़ा, जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपाहिज हैं थोड़ा सा उनके लिए घोड़ा ठीक है, लेकिन जो जवान लोग हैं यंग लोग हैं उनके लिए घोड़ा सही नहीं है भाई। चलो यार इतना दूर आया है तो और थोड़ा सा चल लो। वो घोड़ा पीछे मर गया और बेचारा का क्या कसूर था भाई, है ना? अब बोल रहे वीडियो मत बनाओ। अरे क्यों नहीं बनाओ वीडियो यार, खिलाओगे पिलाओगे नहीं और घोड़े पे सवार करोगे और खींचते रहोगे, कमाल है यार। ये है केदारनाथ से हूँ भाई, बुरा लगा भाई, बहुत बुरा लगा। आप लोग अभी जो भी वीडियो देख रहा है अगर आप लोग यंग हो तो घोड़े का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? आप लोग अगर एज हो गया है तो यूज़ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत अलग है यार, बहुत ख़राब लगा मेरे को, बेचारा ऐसे ही मर गया। घोड़ा घोड़ा, अरे घोड़ा मर गया आगे, घोड़ा घोड़ा कर रहे हो यार। इस बार केदारनाथ में बहुत सारे घोड़ों को मैं देख रहा हूँ यार, बहुत घोड़े हो गए हैं इस बार और रास्ता जाम हो जा रहा है भाई। यात्रा करने में दिक्कत आ रही है यात्रियों को बिकॉज घोड़े बहुत हो गए इस बार। मैं 10 दिन पहले आया था तो इतनी भीड़ नहीं थी, बट इस बार बहुत सारी भीड़ हो गई है, घोड़े बहुत हो गए हैं और चलने में यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है। सो
थोड़ा सा देखा जाए इस मामले में, है ना। घोड़ा एक मर गया पीछे, आपने देखा? नहीं देखा तो था, गिरा हुआ रोड पे। तो कैसा लगा आपको देख के? बहुत बुरा लगा यार। बुरा लगा ना जानवर के लिए यार, ये बेजुबान जानवर, इनके पास जुबान नहीं है बोलने के लिए। देखो भाई, ठीक है ये लोग तो बूढ़े हैं, ठीक है, जो जवान लोग चढ़ते हैं ना तो मुझे गुस्सा आता है यार। इतने घोड़े भाई इस बार, इतने घोड़े केदारनाथ में, सिर्फ घोड़े ही घोड़े हैं इस बार। आदमी कम है, घोड़े ज्यादा हैं यहाँ पे। और खिला और खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं घोड़े को, और ऐसे ही घोड़े को मारते रहेंगे केदारनाथ में। देवभूमि उत्तराखंड केदारनाथ से बात कर रहा हूँ, अभी मैं भीमबली में हूँ, आगे रामबाड़ा है, तो रामबाड़ा की ओर जा रहे हैं। दो घोड़े गिर गए भाई केदारनाथ में, दो घोड़े आज गिर गए हैं। आज तारीख है, आज 8 तारीख केदारनाथ यात्रा, दो घोड़े की मौत हो गई। और कब तक ये चलेगा? 1000। कोई तो उठाओ आवाज यार इन जानवरों के लिए, ये लोग बोल नहीं पाते हैं भाई बेचारे, चले इन लोगों को मार देते हैं ये लोग, बिना खिलाए पिलाए ऐसे खींचते हैं, ऐसे मारते हैं भाई, क्या ही बताऊं। यहाँ आओगे तभी आप देख पाओगे ये सब भाई। घोड़े इतने ज़्यादा हैं इस बार, इतने ज़्यादा हैं कि समझ में नहीं आ रहा यार यात्रा कैसे करें। घोड़े बहुत ज़्यादा हैं इस बार, यात्रा करने में बहुत दिक्कत हो रही है, देख रहे हो घोड़े घोड़े। रामबाड़ा आ गए हैं, लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा है भाई, अभी घोड़े का सीन, उसका जो यार उनसे लाख गुना अच्छा। तो ये पिट्ठू वाले हैं जो भाई मेहनत कर रहे हैं, उतना दूर से यात्रियों को लेके आ रहे हैं भाई, लेकिन कुछ घोड़े वाले इतना तंग करते हैं घोड़े को। देखो भाई बहुत दिक्कत आ रही है चलने में यात्रियों को इस बार, घोड़े बहुत है इस बार, पता नहीं यार क्या हो गया है। यहाँ की सरकार कुछ कर भी नहीं रही है, थोड़ा सा घोड़ा कम करना चाहिए यहाँ पे। घोड़े वाले से लाख गुना अच्छा होते हैं पिट्ठू वाले। देखो भाई कैसे ढो रहे हैं, अपने सर पे लेके चल रहे हैं यात्रियों को, तो भाई बहुत मेहनत वाला काम है। साथ में भैया आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरी। हरी कहाँ से हो? हम नेपाल से जी। रामरो? हाँ जी रामरो। सुंदर है। सो भैया अपने सर पे यात्रियों को ढोते हैं भाई, और यहाँ से ऊपर ले जाते हैं भाई, मतलब 22 किलोमीटर की यात्रा अपने सर पे लेकर जाते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं भाई, इनको सलाम करता हूँ भाई। हरी जी। हाँ जी। बहुत मेहनत करते हो आप? हाँ हम तो बहुत मेहनत करते हैं। मतलब दर्द नहीं होता क्या चलने वलने में? चलने में दर्द तो होते ना, पर क्या करना, मेहनत है ना, हम सब लेते ना। हाँ जी सही बात है। हाँ सब ना, क्योंकि हमारे अंदर बहुत जिगर है ना हम, क्योंकि जैसा जैसा करके भी हमारा मेहनत करके हम, क्योंकि हम जो खाने पीने भी ऐसे टाइट खा के ना बस जैसा आप पी के मस्त चलते हैं, उनको जिगर है भाई, इनके पास बोले जिगर है। और भैया ये मतलब पूरा ऊपर जाते हैं? 22 किलोमीटर ऊपर, यहाँ से नीचे से किन 10 किलोमीटर लाके ऊपर 12 किलोमीटर पहुँचाते। हम रोज ऐसे काम करते ना, हमारे डेली करते हो? हाँ डेली करते ना। क्या बात है भैया, डेली ये काम करते हैं भाई, डेली ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जाते हैं, बहुत मेहनत है भाई। तो मैं बोलूँगा जब भी आप लोग केदारनाथ आएँ, जो बूढ़े लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं, तो प्लीज़ इन लोग से ज़रूर हेल्प लें, है ना, कुछ पैसे लेते हैं। हाँ भाई पैसा ज़्यादा होता है, बट इनका मेहनत भी तो है। हाँ मेहनत भी है ना, हम क्योंकि मेहनत का पैसा खाते ना, हमारा पैसा इतना चौड़े में चढ़ते ना, क्योंकि मेहनत है, मेहनत का पैसा तो अब खाने पड़ रहा है ना, इसलिए खा। सही बात है। सो भाई इनको सपोर्ट करने का, पिट्ठू वालों को, बहुत मेहनत करते हैं भैया। धन्यवाद भैया, थैंक यू जी। भैया जो नीचे रहता है आपके साइड रहता है दिल्ली जगह ना, जीतू भाई यहाँ पे पी रहे हैं रुआबजा, सब थक गए यार। रामबाड़ा जो ये फूलों का है ना सामने, ये फूल का है क्या? हाँ फूल ब्रास भाई, ये फूल का जूस है भाई, ब्रास का। ब्रास का कैसा है भैया? हार्ट के लिए बहुत अच्छा है बोल रहे हैं, पर पीने में बहुत टेस्ट है। सर मेरे को टेस्ट करने का होगा, हाँ बढ़िया है। कैसे गिर गए वो खच्चर में रखा नहीं, 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 नहीं भाई, थोड़ा
खच्चर को आराम से चलाया करो भाई, जो भी चलाता है यार। ये भाई साहब गिर गए अभी यहाँ पे, रखना आपको। ये भाई यहाँ पे घोड़े गिर रहे हैं, कुछ घोड़े मर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है भाई। यहाँ यात्री कम है, घोड़े ज़्यादा हैं। देखो लोग गिर गए हैं, लोग कैसे दाम पे हो। देखो भाई सब अपनी श्रद्धा, क्या हाल हो गया। भाई ये है भाई अभी हाल केदारनाथ का, यात्री कम है, घोड़े ज़्यादा हैं और मुश्किल हो रही है यात्रियों को चलने में, मुश्किल हो रही है और घोड़े की तो हालत ही ख़राब है यार। ऐसे देखो वहाँ भी घोड़े गिर रहे हैं भाई, क्या हो गया है भाई। ये गवर्नमेंट को क्या हो गया भाई, देख नहीं रही है क्या गवर्नमेंट। यहाँ पे घोड़े गिर रहे हैं, यहाँ पे यात्री कम है, घोड़े ज़्यादा हैं, लोगों को चलने में दिक्कत आ रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। एक घोड़ा पीछे मर गया और एक दीदी यहाँ पे गिर गई है। क्या भैया यार तीसरी लग, क्या दिक्कत क्या हो गया यार, गिर गए ये क्या चल रहा है। भाई वहाँ मेरा कैमरा बंद कर दिया गया, उस घोड़े वाले ने कि मेरा कैमरा को बंद कर दिया, ऐसे हटा दिया, तो मुझे वहाँ पे वीडियो बनाने से मना कर दिया और मैं वीडियो वहाँ पे बना नहीं पाया। और वो बहुत रो रही थी यार, वो जो औरत थी ना बहुत रो रही थी भाई, बहुत बुरा लगा। इतनी दूर से वो दर्शन के लिए आई थी और ऐसे जा रही है, गिर पड़ के जा रही है, तो थोड़ा सा खराब लगा यार। मैंने समझाया अभी तो समझ नहीं रहा था, बोलता है कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, वीडियो मत बनाओ। अरे वीडियो क्यों नहीं बनाओ यार, क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हो ऐसे। घोड़े के लिए ये रास्ता बनाया गया है और ये रास्ता बनाया गया है यात्रियों के लिए। कुछ घोड़े वाले यहाँ से लेके जा रहे हैं और दिक्कत हो रही है यात्रियों को चलने में यार। रास्ता ये है घोड़े का, लेकिन यहाँ से ले जा रहे हैं कुछ घोड़े वाले, तो दिक्कत हो रही है। और यहाँ से लेकर भी आ रहे हैं घोड़े को, ये घोड़े वाले चाहते ही नहीं है कि सच सामने आए। जो सच है उसको चाहते हैं दबाना कि बाहर ये सच जाए ही ना, कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, यात्री कैसे परेशान हो रहे हैं, घोड़े की मौत हो रही है, घोड़े गिर रहे हैं, यात्री गिर रहे हैं। कोई समझ ही नहीं है भाई, कोई सुन नहीं रहा है क्या हो रहा है भाई। मौसम ख़राब होते हुए थोड़ी सी आंधी और थोड़ा सा बादल दिख गया है, लगता है शायद बारिश होगा आज। थक भी गया हूँ यार, अभी और है 8 किलोमीटर भाई, अभी बहुत दूर है यार। मतलब मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, लगता है मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही ट्रैक कर रहा हूँ। बहुत दूर है अभी, हल्की फुल्की बूंदा बूंदी स्नोफॉल हो रही है, आज का फर्स्ट स्नोफॉल, मज़ा आ गया। ओह वाव अमेजिंग यार, ये है वाइब केदारनाथ का यार, अमेजिंग। बस ये घोड़े वाले थोड़े परेशान करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, रास्ता मस्त है और सब कुछ है यहाँ पे रास्ते में, वाटरफॉल, झरना, नदी, पहाड़ और ये स्नोफॉल ही भाई। बाप रे कितने घोड़े हैं भाई, आदमी नहीं है घोड़े ज्यादा है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। हाय गाइस, हाउ आर यू, और मेरे भाई क्या हाल चाल है। अरे बढ़िया भाई, बढ़िया, हां घोड़ा जा रहा है, बढ़िया बढ़िया, आ जाए केदारनाथ है। आपको फर्स्ट टाइम क्या, कैसा लग रहा है? गजब लग रहा है, मजा है ना, ऊपर जन्नत जन्नत पीप पटी पर गए, बहुत बहुत मजा है। ठीक है तो चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और मिलते हैं ऊपर मंदिर में। चढ़ भाई, तुम भी आओ, तुम भी आओ, हाय करो, हाय हाय गाइस, जिंदगी में पहला स्नोफॉल देखना करना जरूरी है। थैंक यू सो मच, ये भी इसे भी लोग हाय हाय, चलिए और बहुत मजेदार भाई। ये देखो स्नोफॉल तगड़ी वाली, वाह यार मजा आ रहा है, awesome, crazy। ये है भाई केदारनाथ, ये बर्फ बहुत तेज हो गई है और लगता है पहनना पड़ेगा रेनकोट मुझे। मज़ा तो आ रहा है बट दिख जाएंगे यार कोई चांस। दिस इज व्हाट, ओ वाओ नाइस ग्लेशियर, हाँ मस्त है। स्नोफॉल हो रही है तगड़ी वाली और अभी अपन ले रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक 5 मिनट का, है ना, फिर निकलते हैं, लेट्स सी क्या होता है, मज़ा आने वाला है भाई। कोई ऑप्शन था नहीं तो निकलना पड़ा स्नोफॉल में, बिकॉज पहुंचना है यार, और अंधेरा भी हो रहा है और बर्फबारी भी हो रहा है, तो आप लोग भी यहाँ जब भी आए भाई रेनकोट लेके आए। देखो बर्फ बर्फ
पीछे लोग हटा रहे हैं, बर्फ साफ कर रहे हैं, बर्फबारी बहुत तेज है यार। चलते हैं जल्दी पहुँचते, खांसी हो रही है। हर महादेव भाई, केदारनाथ में हो गई है भारी बर्फबारी और मौसम थोड़ा सा खराब होते हुए। ओह माय गॉड, सॉरी धक्का लगेगा, सॉरी। हाँ ये देखो भाई, भारी बर्फबारी के कारण देखो यार घोड़े कैसे जा रहे हैं लाइन से, बिकॉज आगे जाम लग जाएगा ना, बहुत बहुत बर्फ है। हर महादेव, हर हर महादेव भाई। ये मौसम अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन एंजॉय करना चाहिए यार इस मौसम को भी, स्नोफॉल। फाइनली पहुंच गए हैं हेलीपैड, वो हेलीपैड है भाई, और भारी बर्फ बारिश भाई, बहुत हैवी बर्फबारिश हो रही है भाई साहब, खतरनाक वाली हो रही है भाई स्नोफॉल। मजाक नहीं है भाई, आप लोग प्लीज़ मौसम देखकर ही आए यहाँ पे यार, ऐसे मत आए। हर हर महादेव, हर महादेव। हर हर महादेव, आज सोमवार है भाई और महादेव का दिन है और दरबार लगा है।